गृह मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 11 अक्टूबर 1998। अधिसूचना। राष्ट्रपति सहर्ष श्रीमती सुषमा स्वराज को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मुख्यमंत्री उसी दिन से नियुक्त करते हैं जिस दिन से यह इस पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगी। संख्या U 11013/2/98 UTL खंड। हस्ताक्षरित पी के जलाली, संयुक्त सचिव भारत सरकार। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। गोपनीयता से मैं सुषमा स्वराज ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। सर रिकॉर्डिंग नहीं हुआ जी हमारा तो नहीं अभी सर माइक भी ऑप्शन नहीं रहा हमारा तो माइक नहीं रहेगा सर रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं है बिल्कुल कुछ नहीं रिकॉर्डिंग आएगी ये तो सारा गलत काम हो गया
रास्ता दीजिए, सीधा चले, सीधा मुझे कुर्सी जमा कर जा रहे नहीं नहीं वो भी दोनों काउंसलर्स बाकी भी हमारे एमएलए मुख्यमंत्री के नाते पार्टी में नहीं है साहब सिंह जी की उपयोगिता पार्टी के नेता के रूप में और वो केवल दिल्ली के स्थापित राजनेता नहीं है वो पार्टी के हिंदुस्तान के स्तर पर वरिष्ठ राजनेता है उनकी उपयोगिता किसी कुर्सी की या पद की मोहताज नहीं है सुषमा जी धर्मा जी को आपने मना लिया वर्मा जी के सपोर्टर्स को कैसे मनाएंगे वर्मा जी अपने सपोर्टर्स को बनाएंगे आप उनके लिए क्या करेंगे They wanted to project me. माना जा रहा है कि कांग्रेस महिला अध्यक्ष बनने के क्या गलत बात है यार काम कर रहे हैं गलत बात है यार यहां पे क्या है महिला पर उठाया जा रहा है आपका क्या चलता है काम लुभाने की तो कोई जरूरत नहीं है मुझे महिलाएं रूठी हुई है प्याज इतना महंगा हुआ है नहीं आप कहते हैं रूठी हुई है आप जाके पूछिए उनसे कोई महिला रूठी हुई नहीं है आप वेरी हैप्पी जो रूठी हुई तो खुश हो जाएंगे आप पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है तो आपकी प्रायोरिटी महिलाओं के लिए क्या है मैंने कहा कि जो इश्यूज अभी इस समय तात्कालिक हैं चुनाव तक तो हम उन्हीं को अभी एड्रेस करेंगे समय कम है लेकिन महिलाओं के लिए बाकायदा एक पूरा एजेंडा घोषित करेंगे हम क्या मानता है टिकट महिलाओं को दिलवाएंगे वो संगठन का मामला है मुख्यमंत्री टिकटें नहीं बांटती सुषमा जी कांग्रेस ने कहा कि 33% सीटें महिलाओं को देगी आप क्या करना चाहिए मैंने अभी तो जवाब दिया कि मुख्यमंत्री टिकटें नहीं बांटती संगठन तय करेगा मैं अभी बताया तब से तो इन्हीं चीजों का तो जवाब दे रही हूँ महिला आरक्षण बिल का समर्थन करना और बिना आरक्षण के 33% देना इन दोनों में बहुत अंतर है जब आप आरक्षित कर देते हैं सीटें तो सभी राजनीतिक दलों को उन रिजर्व्ड सीटों से महिला ही खड़ी करनी पड़ती है लेकिन जब वो नहीं होता तो उस समय कई बार ये होता है कि उस सीट पर यदि दूसरा दल कोई दिग्गज पुरुष को दे रहा है तो क्योंकि चुनाव में जीत सबसे बड़ा आकलन बनती है इसलिए वो प्रतिशत नहीं रह पाता इसीलिए तो हम आरक्षण की बात कर रहे हैं अगर आरक्षण के बिना 33% ही मिल सकता है या मिल गया होता है या मिलने की गुंजाइश होती तो आरक्षण की मांग ही क्यों करते बिल देयर वाज ऑलरेडी अ वुमन मिनिस्टर इन द कैबिनेट मैडम बिना आरक्षण बिल पेश किया ही कांग्रेस ने अभी शीला दीक्षित से मेरी सुषमा जी की सीट महिलाओं को देगी दिल्ली उन्होंने तय किया होगा ना मेरा संगठन क्या तय करेगा वो बता दें शीला दीक्षित जी का जवाब मांगेराम गर्ग दिया करें उनसे पूछे साहब सिंह जी सपोर्टर्स विल नॉट ओनली सपोर्ट अध्यक्ष जी से मिल रही हूँ उसमें एक इनफॉर्मल डिलीब्रेशन है क्या काया पलट करेंगे दिल्ली की कानून व्यवस्था यही घंटे भर से उन्हीं सवालों का जवाब दे रहे अब वही वही सवाल भिन्न भाषा शैली में पूछ रहे हैं साहिब सिंह वर्मा जी के समर्थक ये कह रहे हैं कि मैं सुषमा जी को कतई सपोर्ट नहीं करने जा रहा हूँ क्या उस स्थिति में आप अकेले चुनाव जीत सकेंगी मैं अकेले लड़ने क्यों जाऊंगी साहब सिंह जी अभी साथ बैठे हैं उनके समर्थक भी साथ जाएंगे कल आपने सुना नहीं साहब सिंह जी को तो आपके साथ बैठे क्या नहीं उन्होंने क्या कल ही नहीं होंगे सदा साथ होंगे सदा साथ होंगे केवल कल ही साथ नहीं होंगे सदा साथ होंगे कल उन्होंने खुद नहीं कहा कल उन्होंने खुद ही कहा ना कि अपने समर्थकों को मैं मनवाऊंगा निश्चित मनवाऊंगा
अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। आइए मैडम, मैं लौट के आके शब्द पढ़ दूंगी आपको।